मैं सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, पूरा सच। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप निर्णय लीजिएगा कि ये इंस्टीट्यूट सही है या गलत है। गलत में इसका हम पावर ऐसे निकालेंगे, फिर इसको लगाकर फिर चालू करेंगे आपको। अच्छा, मेरा नाम राम प्रताप ठाकुर है। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल। कितने मिनट के अंदर डेड मोबाइल को ऑन करेंगे और ऑन मोबाइल जो डेड करके दिखाएंगे? कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको उस लेवल पे है तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम इंडिया लेवल की ट्रेनर है। डिफरेंस होता है कि अगर सेट को ऑन करते हैं तो पहली वोल्टेजेस कहाँ जाएगी, दूसरी वोल्टेजेस, तीसरी वोल्टेजेस, चौथी वोल्टेजेस, इस तरह स्विच करके पूरा हैंडसेट ऑन होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों को लेकर आ गया हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आजकल लगातार बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, लेकिन बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और बहुत लोग परेशान ये हो जा रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है और कौन सा फेक है। तो आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताने वाला हूँ। यदि आप भी सोच रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरा हम सच्चाई बताएंगे कि इंस्टीट्यूट में कौन सा फेक है, कौन सा रियल है। तो हमारे पास नवीन सर मौजूद हैं और नवीन सर से आज हम खुद जानकारी लेने आ गए हैं सर कि क्या, क्योंकि इस लाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, बच्चे कहीं चल जा रहे हैं तो फंस भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे कुछ सच्चाई पता करने आया हूँ, क्या सच में यहाँ रियल काम हो रहा है या फेक काम हो रहा है, आज हमें आप सच्चाई बताइए। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि हमेशा आपके व्यूवर्स का प्यार हमें मिलता रहता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने ये क्वेश्चंस किया, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है जी। देखिए नीतीश जी, बच्चे बहुत मेहनत से अपने घर से पैसा लेकर आते हैं और लाने के बाद बच्चे इंस्टीट्यूट के नाम पर तो चले जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग मिलती है वो मिलती है, वो फेक होती है या ओरिजिनल होती है? मैं बोलूँगा, हर बार मैं इसी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि अगर मैं बोलूँगा तो वो गलत होगा। और इस चैलेंज को आपके एक्सेप्ट करते हुए हम चाहते हैं कि मैं ना बोलूँ, आज आपके सामने हमारे हैंडसेट पे बच्चा आईसी लगाकर सेट को ऑन करेगा तो कैसा रहेगा, तो फिर एक विश्वास बनेगा हमारा। हाँ, बिल्कुल, हमारे व्यूअर का भी विश्वास आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर बनेगा। वही मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस लाइन में आना चाहते हैं और अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट फेक है या ओरिजिनल, वो कैसे आप कंफर्म होंगे? बातों से तो काम नहीं होता है। सही बात है, काम करने से काम होता है। अगर मेरा स्टूडेंट आकर 15 डेज में, 15 से 20 दिन में अगर वो बच्चा आईसी लेवल पे वेल ट्रेंड हो जाता है और वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो कर आज हैंडसेट को ऑन करके दिखाएगा, इससे बड़ा चैलेंज मैं नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता हूं, पूरा सच। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप निर्णय लीजिएगा कि ये इंस्टीट्यूट सही है या गलत है। सही बात है, तो आप लोग पूरा वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और कितने मिनट के अंदर डेड मोबाइल को ऑन करेंगे और ऑन मोबाइल जो डेड करके दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। डायरेक्ट हम स्टूडेंट के पास चलते हैं और स्टूडेंट से हम सारी जानकारी लेंगे। अभी यहाँ पर एक लोग हैं, भैया कहाँ से हैं भैया आप? सर, हम उत्तर प्रदेश हैं, भट्टा चौराहे से। अच्छा अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है नीतीश विश्वकर्मा। कितना दिन हो गया होगा आपको यहाँ? हमको यहाँ पर हुए 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए जी। अच्छा, संबंधित ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या वोल्टेजेस हैं जो इन कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं आईसी जो है पावर आईसी से? कौन कौन सा वोल्टेज इन हो रहा है? वो वही सब है सर। तो नीतीश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके व्यूवर्स भी देखें और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कंफर्म करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स अगर पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं, सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं पढ़े। सही बात है। तो हम पहले एक बार स्कीमेटिक्स के बारे में कुछ चीजें इसे जान लेते हैं कि अगर ये आईसी है तो ये क्या आईसी है, आप कुछ बता देंगे क्या क्या हो रहा है इसमें? बताइए। पावर आईसी। हाँ, क्या है ये? आपका नाम पूछे। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम राम प्रताप ठाकुर है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, नेपाल से आए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये नेपाल से आए। और नीतीश जी, एक और बात, जो आपने ऑफर 16,000 की बात की थी। अच्छा। आप स्टूडेंट हैं, इनसे मेरी 25,000 रुपए की उससे पहले बात हो चुकी थी। अच्छा। इनको ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर आकर 16,000 का ऑफर मिलने वाला है,
दूसरा इंस्टीट्यूट होता वो क्या करता मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ आने के बाद 25,000 से बात होने के बाद भी जब ये मेरे पास आए तो हमने बोला कि आप ऑफर पीरियड में आए हैं, आपकी फीस 25,000 नहीं लगेगी 16,000 लगेगी, और इनसे सिर्फ 16,000 लिया गया। पूछिए क्या सच्चाई है? क्या 16,000 लिया गया था? मतलब 25,000 पहले मुझसे सर 2 महीना पहले बात में किया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पाया उस समय, 25,000 से बात हुआ था। अच्छा, तो सर बाद में मैं अभी आया ये 3 तारीख को आया, 25,000 का ही प्लान करके आया। हाँ, पूरा 25,000 का प्लान करके आए थे सर। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि 16,000 है ऑफर पीरियड में, तो सर ने वो 16,000 रुपया ही लिया मुझसे। अच्छा, 16,000 ही लिया गया। कहने का बात ये है कि नितीश जी कि हम चीटिंग का काम नहीं करते हैं, बच्चों से जो बात होती है और जो ऑफर पीरियड है उसी तरीके से चलते हैं, बच्चों से ना ज्यादा पैसा लेते हैं ना कम पैसा, जो हमारे वहाँ रूल्स रेगुलेशन और फिक्स्ड है वो है। अगर ऑफर पीरियड में बच्चा आता है 25,000 पे बात हुई, ऑफर पीरियड 16,000 में आता है, तो हम 16,000 ही लेंगे उनसे, ना हम उनसे ज्यादा ले सकते हैं ना हम कम ले सकते हैं। तो राम प्रताप जी ये बताइए आप कि आपको स्कीमेटिक्स के बारे में जानकारी मिली यहाँ पे? हाँ सर, बहुत मिली सर। अच्छा, क्या लेवल आपको मिला यहाँ पर हमारे पास? सर क्या आपको क्या लेवल की ट्रेनिंग मिली? सर, मुझे तो पहला तो उतना नहीं आता था, थोड़ा मोरा आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद सर बेसिक से एडवांस तक मुझे मालूम हुआ सर, पूरा जितना मोबाइल में है बेसिक टू एडवांस उतना पूरा मुझे सर मालूम चल गया है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब एडवांस है तो वाकई में एडवांस है, सिर्फ कहने वाली बात है एडवांस? वाकई में एडवांस है सर यहाँ पे। अच्छा। जी, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा, अगर मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको उस लेवल पे है तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप? हाँ सर बिल्कुल। तो आप ये बताएंगे ये कौन सी आईसी है ये जो मैंने इसकी डायग्राम खोली है? बताइए। पावर आईसी है सर। पावर आईसी है, तो ये क्या हो रहा है? अगर ये कौन सी वोल्टेजेस है ये? सर ये VPH वोल्टेज है सर। VPH वोल्टेजेस है, एक बार इन कर रहा है कैसे, ये क्या है, ये सब क्या बने हुए हैं? ये VPH वोल्टेज है सर, कैपेसिटर लगा है बीच में सर। कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है फिर कैपेसिटर की? 2.2 माइक्रोफैराड। ये अगर निकल जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर फर्क पड़ेगा सर। पड़ेगा, क्यों पड़ेगा सर? क्योंकि उसका प्रॉपर वोल्टेज नहीं जाएगा उधर सर। तो ये आईसी में ये क्या हो रहा है इस साइड से? सर VPH इन हो रहा है सर। इनपुट हो रहा है VPH जी सर। आप नितीश जी आप बताइए VPH क्या है? VPH क्या है? VPH जो चार्जिंग आईसी से होकर पावर आईसी में आता है। गुड, मतलब चार्जिंग आईसी से पावर आईसी में, पावर आईसी से इनपुट हो रहा है। हां जी जी, ठीक है। और महेंद्र जी आप ये बताइए मुझे कि ये क्या है, ये VSW, ये क्वाइल क्या है, ये कौन सी क्वाइल है? सर ये सर बक क्वाइल है सर। बक क्वाइल सर, गुड गुड। मतलब आप नितीश जी देख सकते हैं कि अगर मैं स्कीमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है, ये मेरी उपलब्धि है। मुझे भी खुशी होती है कि मेरा बच्चा अगर इस लेवल पे इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं दिखाना चाहता हूँ एक और चीज़, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये वोल्टेजेस है तो मेरा जवाब दोगे क्या? आपकी ये कौन सी वोल्टेजेस है ये? हाँ VPH, क्यों VPH है ये? सर 2.7 वोल्टेज। अच्छा गुड गुड। अच्छा ये कौन सा वोल्टेज है? 3.3 सर, वो भी VPH है सर। VPH है, ओके ओके। और ये कौन सा वोल्टेज है सर? ये हाई LDO है सर। हाँ हाई LDO, ये हाई LDO है। गुड गुड। और ये कौन सा वोल्टेजेस है? लोअर LDO है सर। लोअर LDO है, बहुत अच्छा। हाई LDO लोअर LDO क्या होता है एक बार बताएंगे क्या? सर जिस पे सर 1.35 से नीचे वोल्टेज आता है सर वो लोअर LDO है। ओके। और जिस पे 1.35 से ऊपर 2.05 तक वोल्टेज आता है वो हायर LDO है। गुड गुड। मतलब आपको पूरा प्रॉपर बूट सीक्वेंस मालूम है सर। बूट सीक्वेंस एक ऐसी चीजें हैं जिसपे प्रॉपर क्या होता है, एक नॉर्मली भाषा में जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो नहीं मालूम बूट सीक्वेंस, जैसे कोई भी चीजों को ऑन करते हैं, जैसे घर में किसी अंदर आना है तो कोई स्टेप पढ़ा होगा, एक सीढ़ी चढ़ना है फिर दूसरा तीसरा, वैसे ही बूट सीक्वेंस होता है कि अगर सेट को ऑन करते हैं तो पहली वोल्टेजेस कहाँ जाएगी, दूसरी वोल्टेजेस, तीसरी वोल्टेजेस, चौथी वोल्टेजेस, इस तरह स्विच करके पूरा हैंडसेट ऑन होता है। तो ये पूरी डीप नॉलेज हम लोग अपने बच्चों को देते हैं। क्या बताओ, अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को कोई ऐसा ना है कि फेक या कहीं एडिटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है वीडियो के अंदर। जो भी था सर ने सामने पूछा अपने बच्चों से,
कितना दिन हुआ आपको ज्वाइनिंग किए हुए? और आए हुए 13 दिन हो गया सर। 13 दिन हुआ जी सर। इसके पहले भी कुछ किए हैं क्या सर? इससे पहले तो ऐसे नहीं करते थे कुछ, थोड़ा मोरा हल्का सा वो होता है ना, खाना पकाना पूरी नहीं थी सर, थोड़ा सा हल्का था सर, थोड़ा बहुत था जैसे दुकान चार्जिंग कनेक्टर लगाते होंगे, चार्जिंग कनेक्टर वो सब उखाड़ना उखाड़ना। यहाँ आने के बाद सर, मुझे यहाँ आने के बाद सर वो एडवांस लेवल पर जो भी होता है ना सब मुझे मालूम हुआ सर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से यहाँ के जो स्टूडेंट हैं इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मात्र अभी मैं आपको यहाँ घड़ी पे दिखा देता हूँ, यहाँ इनकी टाइमिंग अभी मैं शुरू करता हूँ, मात्र 15 मिनट के अंदर ये सेट बना के दिखाने वाले हैं। तो ये कौन सा सेट होगा भाई? रेडमी नोट 4 है। अच्छा, रेडमी की मोबाइल है। और क्या करने वाले इस मोबाइल में? चालू हालत में इसका हम पावर ऐसे निकालेंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर चालू करेंगे आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, इनसे हम सारी जानकारी भी लेंगे, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, और कितना कुछ सीखे हैं ये अपने मुँह से खुद बताने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए, टाइमिंग शुरू करें। जी देख सकते हैं इनका टाइमिंग रेडी हो गया है, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अभी आप अपना काम शुरू करिए, 15 मिनट का आपका चैलेंज है, बारे में बताते हुए चलिए आप। देखिए ये जो पावर एसी है जी, अभी इसको हम निकालेंगे, निकाल कर रिबोलिंग कर फिर इसको लगा के आपको सेट ऑन करके दिखाएंगे जी। थोड़ा हीट करेंगे 2 से 3 सेकेंड, इसके बाद थोड़ा पेस्ट लगाएंगे इसके कॉर्नर साइड में। ये क्या चीज़ अभी कर रहे हैं? जो पेस्ट अभी डाल रहे हैं इसके कॉर्नर, मतलब पेस्ट अंदर जाएगा तो एसी को मतलब निकलने में ज़्यादा परेशानी होगी। अच्छा, इस चीज़ को आप कर देंगे तो एसी निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं ये अभी आईसी निकाल रहे हैं, और आईसी निकाल के आप लोगों को सामने लाइव दिखाने वाले हैं। ठीक है, इनका टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और इनका भी काम शुरू हो चुका है। तो अभी ये हिट कर रहे हैं ना आप? हिट कर रहे हैं अभी इसको जी। तो ये देख सकते हैं हिट का काम इनका चल रहा है, और इसको कितना देर तक आप करेंगे अभी? इसको हम 45 सेकेंड तक। 45 सेकेंड तक, ठीक है। तो इस चीज़ को 45 सेकंड करने के बाद ये निकालने वाले हैं आईसी को। ये पावर आईसी निकल चुका है, जिससे मोबाइल अभी डेड हो गया है, ठीक है। अब मोबाइल ऑन नहीं होगा, लेकिन अब डेड मोबाइल को कैसे ये ऑन करके दिखाएंगे वो चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं भैया? ये जो साफ कर रहे हैं अभी हम इसको। अच्छा, इसको साफ कर रहे हैं, वहाँ पर क्लीन करने का काम। और ये देखिए, ये जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिस्प्ले पे शो कर किया जा रहा है किस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं भैया? जी अभी हम इसको साफ कर रहे हैं। अच्छा, अभी साफ कर रहे हैं डिसोल्डिंग वायर से, इसको पॉइंट को जिस जितना बॉल है इसको सब डिसोल्ड कर रहे हैं जी। जी जी, तो देखिए ये कितने मिनट का प्रोसेस होगा आपका? जी हमको ये 5 से 6 सेकंड से, मतलब 5 से 6 सेकंड ये चीज करना होगा। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया कम्प्लीट है, अभी हम इसको क्लीन करेंगे। अच्छा, इसको क्लीन किया जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैमरे के माध्यम से उतना छोटी आईसी को दिखाना थोड़ा सा मुमकिन है। तो ये देखिए अभी आगे का क्या प्रोसेस करेंगे भैया? इसको क्लीन करके उसके बाद आईसी सी रिबॉल करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा एक बार सेट को ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने पावर आईसी निकाल दिया है। क्या सेट ऑन हो रहा है क्या? सेट ऑन होगा क्या भैया? जी दिखा दे रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए अभी ये सेट के अंदर ये फिक्स कर रहे हैं, और हम एक बार देखते हैं क्या सेट ऑन हो रहा है विदाउट पावर आईसी के कि नहीं। क्योंकि नितिश जी देखिए फोन दिखा रहा है हम लोगों को, तो पावर आईसी निकाला है, पावर आईसी निकालने के बाद सेट ऑन नहीं होता है ना, और हैंडसेट में जो पावर आईसी खराब हो जाएगी तो सेट प्रॉपर ऑन ही नहीं होगा। अब ये देखिए बैटरी लगाने के बाद सेट ऑन नहीं होगा जी। तभी ये देखिए पावर आईसी निकल गई है, सेट ऑन करने का कोशिश किया जा रहा है, बट ये ऑन नहीं होगा, सेट ऑन नहीं होगा, सेट डेड हो चुका है। ठीक, अब डेड सेट को ये कैसे बनाएंगे और मात्र 15 मिनट के अंदर कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम देखते हैं। ये जो है आईसी मतलब पकड़ कर उसको मतलब सॉफ किया था। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं आईसी में? ये सॉफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं इसको, बॉल की जितना भी है इसको बॉल क्लीन कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए ये आईसी को क्लीन किया जा रहा है, और इसके अंदर से अभी क्या क्लीन कर रहे हैं, क्या चीज़? बॉल्स को साफ कर रहे हैं। अच्छा, पावर आईसी के साथ ये भी इसको हम मतलब वो बॉल्स को मिलाकर इसको पीपीडी अप्लाई करके इसको रिबॉल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े स्क्रीन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ये रिवॉल्विंग का काम चल रहा है, और ये चीज़ का क्या अभी कर रहे हैं? ये पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं जी, इससे क्या होता है? इससे बॉल बनेगा। अच्छा,
ये कितने मिनट का प्रोसेस होगा आपका, कितने सेकंड का? नहीं सर, ये कुछ सेकंड का होता है, 5-10 सेकंड का, मतलब अभी ये जो असेंबली लगाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी क्या काम कर रहे हैं भैया? पावर एसी को रिवोल्व कर लिया, हम निकाल रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हुए, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि ये पावर आईसी मोबाइल के अंदर ख़राब कैसे होता है? क्योंकि सर ये मेन पावर आईसी होता है जो सबको वोल्टेज डिवाइड करता है, लोड इसी पर रहता है, इसलिए पावर आईसी ये ख़राब हो जाती है। अच्छा, मतलब जो सेट हमेशा बंद होने लगता है, स्विच ऑफ होने लगता है, वो सारा ये प्रोसेस देखता रहता है? हाँ, वोल्टेज से ऑन सबको देता है जी। तो कंप्लीट हो गया है, तो क्या अभी ये लगाने जा रहे हैं क्या? जी अभी इसको हम लगाने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये देख सकते हैं ये पावर आईसी जो है ये पीसीबी के अंदर लगाने जा रहे हैं जी, स्क्रीन के माध्यम से, ठीक है। ये अभी क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी इसको हिट दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पूरी तरह आपको जो है मोबाइल डेट करके उसके बाद ऑन करके दिखाया जाएगा, ठीक है। सेट ऑन था, उसको डेट कर दिया गया, डेट करने के बाद से इसको कैसे ऑन किया जा रहा है वो आपको हम पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं, ठीक है। मात्र 13 से 14 दिन ये यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य सीखे थे। इसके पहले भी आप कुछ करते थे क्या? जी नहीं, थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत करते थे सर, मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन अभी 13 से 14 दिन में आपको क्या लग रहा है कि एडवांस लेवल का नॉलेज हुआ है आपको? जी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कूल किया, ठंडा करने का काम किया जा रहा है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा फैन है, पंखे के माध्यम से जो आईसी को ठंडा किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए यदि हम गर्म ही लगा दें तो क्या होगा? क्या मतलब, समझ नहीं। अभी अभी आपने आईसी लगाया उसमें पीसीबी में, हम ठंडा नहीं करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, तो क्या होगा? उसे होगा कि सर वो मान लीजिए लोड वोल्टेज वही देता है, ऑन नहीं होगा सेट जी, सेट ऑन नहीं होगा जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसको ठंडा किया जा रहा है, ठंडा करने के बाद क्या करेंगे इसमें? ठंडा करने के बाद इसको बोर्ड में लगा कर उसको चालू किया जाएगा। अभी कितना सेकंड तक आप ठंडा करेंगे इसको? 10 सेकंड और, मतलब। अच्छा, 10 सेकंड तक इसमें अभी ठंडा करने का काम करेंगे और फिर उसके बाद से ये सेट के अंदर आप लगा देंगे जी, ठीक है। पक्का है ना सेट ऑन हो जाएगा? जी जी। कैमरे के सामने सारा कुछ चला है भैया? जी जी, ठीक है। तो देखिए भैया का चैलेंज था और चैलेंज इन्होंने आप लोगों के सामने एक्सेप्ट किया। अभी हम देखते हैं क्या ये सेट ऑन होता है या नहीं, ये आप लोगों को सामने ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी सच्चाई हम बता रहे हैं कि आखिरकार जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है किस तरह से सिखाने का काम कर रही है, माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट किस तरह से अपने स्टूडेंट को सिखाने का काम कर रही है, वो भी एडवांस लेवल में। तो अभी ये क्या आपने सेट किया ये सब? ये उसका डिस्प्ले पता लगाए हैं, बैटरी कनेक्टर लगा रहे हैं, ठीक है। ये बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद से हम देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं। चैलेंज लिए भी और आपके सामने ये देखिए सेट जो है ऑन करके दिखाए हैं, दूसरी बार फिर से करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। नवीन सर, आपके पढ़ाई स्टूडेंट ने कैमरे के सामने 15 मिनट के अंदर मोबाइल को डेट किया और फिर ऑन किया, आप बताइए कैसा आपको लग रहा है अभी? जी देखिए, बहुत खुशी की बात होती है जब अपना कोई स्टूडेंट जीरो लेवल से एडवांस लेवल, शुरू से आपके चैनल पे हम लोग जब भी आते हैं तो शुरू से ये बात कहते हैं कि हम जीरो से एडवांस लेवल तक की सफर को पूरा कराएंगे, जीरो से हीरो बनाने का कार्य हम करेंगे जी। और हमारे बच्चे अगर आईसी के बारे में जानते तक नहीं है कि वो आईसी होता क्या है, और इतने कम दिनों में इस लेवल की ट्रेनिंग अगर आईसी निकाल कर लगाता है बच्चा और सेट को प्रॉपर ऑन करता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर गुरु अपने शिष्य को अगर ट्रेनिंग देता है और शिष्य गुरु से आगे निकलता है तो बहुत खुशी की बात होती है। और सबसे अच्छी बात है कि 15 मिनट भैया तो बना ही रहते हैं, साथ ही साथ हमको भी इतना पता चल गया कि आईसी होती क्या है, आईसी क्या होती है जी, आईसी क्या होती है, उसको कैसे निकाला और लगाया जाता है, इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही गया हमको। नीतीश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए हम इंडिया लेवल के ट्रेनर हैं, इंडिया लेवल में जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन सभी से संपर्क है हमारा जी। और हम अपने बच्चों को उस लेवल पे ही ट्रेन करना चाहते हैं जो ओरिजिनल में एडवांस है। आपके सामने बच्चा आईसी निकालता है, लगाता है और सेट को फिर प्रॉपर ऑन करता है, इसका मतलब हम उस लेवल पे ट्रेन करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बोलते हैं कि हम ये कराते हैं वो कराते हैं और पैसा लेकर बच्चे को अगर कुछ नहीं मिलता तो
कुछ ये चीजों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम बच्चे को अगर वादा करते हैं तो वो वादा पूरा करते हैं। दोस्तों यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, ठीक है, जो भी आगे का डिटेल है वो आप सीधा कॉल करके यहाँ से ले सकते हैं। बाकी सर फीस वगैरह की बात कर ली जाए एक बार। जी फीस तो देखिए, फीस देती सर हमारा 25,000 है जी, और अभी बीच में कम भी हुआ था तो बीच में कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ, नहीं बीच में सर कम कर दिए होंगे। नहीं नहीं सर, जैसे 25,000 है लेकिन अभी क्या है कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे और कुछ आप जैसे लोग हमेशा आप जो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने का बात करते हैं और एक हिम्मत देने का कार्य करते हैं, आप लोगों के द्वारा भी कहा गया कि सर इसको इस महीने भी कंटिन्यू करिए, मतलब अगले महीने भी कंटिन्यू करिए, तो अगले महीने भी हम 16,000 में कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है, ये आप लोगों के लिए एक और भारी बम्पर ऑफर है, अगले महीने तक ये 16,000 रुपए मात्र फीस कंटिन्यू रहने वाला है। तो यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, बाकी यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया होगा। अभी इस समय छुट्टियों का समय चलने वाला है, छुट्टियों में ज्यादातर बच्चे घर बैठे रहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी यहाँ से आकर जुड़ कर अपने जो समय उन लोग का बचा हुआ है जिस समय में वो खेल कूद कर रहे हैं उस समय में आके वो कुछ सीख सकें, ठीक है। बाकी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।